अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मेटालिक कोटिंग या कोटिंग सिंपल कहते हैं। आज हमने उसी चीज़ को डिस्कस करना है कि मेटालिक कोटिंग क्या होती है, या सिंपल हम कोटिंग भी कह देते हैं बाज़ दफ़ा। हमने कहा था जी मेटालिक कोटिंग के दो मेथड हैं, मेटालिक कोटिंग के दो तरीक़ाकार हैं। कौन कौन से जी? एक हमारे पास फिज़िकल मेथड होता है, तो ये इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक है फिजिकल मेथड के जरिए से की जाती है, फिजिकल मेथड एंड देन केमिकल मेथड। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा तरीका कार आता है वो होता है केमिकल मेथड के जरिए से भी आप मेटालिक कोटिंग कर सकते हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो सिर्फ फिजिकल मेथड के जरिए किस तरह मेटालिक कोटिंग करते हैं। फिजिकल मेथड में जो सबसे पहला तरीका कार है वो है गैल्वनाइजिंग। तो याद रखिएगा, गैल्वनाइजिंग, या फिर इसको एक और नाम देते हैं जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि बाज दफा इस तरह पूछ लिया जाता है कि गैल्वनाइजिंग में कौन सी मेटल आयरन की सरफेस के ऊपर कोट की जाती है, चढ़ाई जाती है। याद रखिएगा, ये जिंक मेटल होती है जो कि आयरन की सरफेस के ऊपर चढ़ाई जाती है। तो अब चढ़ाने का अमल क्या है, कहते हमारे पास, हम ये सारे का सारा काम, एक बात याद रखिएगा, रस्टिंग की प्रिवेंशन से बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं सारे का सारा काम, कि वो चीज़ को जंग ना लगे, वो चीज़ क्रूड ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए हम उसकी फिजिकल मेथड से कोटिंग कर देते हैं। केमिकल मेथड से हमने कहा था जिसके ऊपर पेंट कर दें, ये सारे के सारे काम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने यहाँ पे देखेंगे, कोटिंग, सबसे पहले देख लें कोटिंग होती क्या है। कोटिंग वर्ड कोट से निकला है। ये कोट क्या होता है, ये अपने जिस्म के ऊपर जो कोट पहना होता है, या आपके जिस्म को इंटरनली, जो आपका इंटरनल जिस्म है इसको बाहर से सारे का सारा ढांप लेता है। सेम इसी तरह ये हमारे पास आयरन की रॉड होती है, या आयरन की कोई भी चीज़ होगी, इसके ऊपर अगर आप किसी और मेटल की तह चढ़ा दें, इस आयरन के ऊपर आप जिस किसी और मेटल की तह को चढ़ा दें, ये जो दूसरी मेटल की तह चढ़ाएंगे, इसके अंदर ये खासियत होती है कि इसको जंग नहीं लगता या क्रूड नहीं होती। ये जो मेटल की तह चढ़ाई है, मैं ये जिंक भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे जो जिक्र करूँगा वो जिंक ही करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे जिंक कह रहा हूँ। ये जो जिंक होगी ये हमारे पास गैल्वनाइजिंग का प्रोसेस होगा, और इसको हम कोटिंग का नाम दे रहे होते हैं। एक मेटल के सरफेस के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ा देने के अमल को। सबसे पहले हम गैल्वनाइजिंग की डेफिनेशन करेंगे, बाद में तरीकेकार देखेंगे किस तरह गैल्वनाइजिंग की जाती है। सही है ना? सबसे पहले गैल्वनाइजिंग की डेफिनेशन करें। डेफिनेशन है द प्रोसेस, ये ऐसा तरीकाकार है, द प्रोसेस इन विच जिसमें अ थिन लेयर, एक बारीक सी तय, थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड, जिसमें जिंक मेटल एक छोटी सी तय चढ़ा दी जाती है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस, सतह पर। किसकी सतह पर? ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, लोहे की सतह के ऊपर जिंक मेटल चढ़ा दी जाती है। इस तरीके का हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड गैल्वनाइजिंग। और गैल्वनाइजिंग की डेफिनेशन पास्ट पेपर में कई दफ़ा, गैल्वनाइजिंग की डेफिनेशन पास्ट पेपर में कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुकी है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गैल्वनाइजिंग में मेटल कौन सी यूज़ हो रही है? सेकंड नंबर पे ये याद रखना है कि जिंक मेटल यूज़ होती है। सही, जिंक मेटल यूज इन द गैल्वनाइजिंग प्रोसेस, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सही, कौन सी मेटल यूज़ हो रही होती है? जिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक मेटल इज यूज्ड इन द प्रोसेस के तरीकाकार में, किसके तरीकाकार में? इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजिंग के तरीकाकार में कौन सी मेटल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जिंक मेटल। ये सिंपल सी बात अपने जहन में रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास तरीकाकार को पहले सीखिएगा, बाद में इसकी थोड़ी थोड़ी वर्डिंग बना लेंगे कि हम गैल्वनाइजिंग कर किस तरह रहे होते, एक मेटल की सर्फेस के ऊपर दूसरी मेटल की तय किस तरह चढ़ाते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ आपने जिस मेटल की भी तय चढ़ाना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, वो मेटल लेनी है। मैं कहता हूँ जिंक की तय चढ़ाना चाहता हूँ,
आपने वो जिंक मेटल लेनी है। तो ये मेरे पास सपोज ये जिंक है, जिंक मेटल, और इसको मेल्ट कर लेना है। इसको क्या कर लेना है आपने, मेल्ट कर लेना, इसको पिघला लेना है। पिघलाने के बाद आपने इसको कहाँ पे डाल लेना है, एक बिकर के अंदर या एक टैंक के अंदर डाल लेना है, ताकि आप गैल्वनाइजिंग का प्रोसेस कर सकें, एक मेटल की सतह के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ा सकें। आपने इसको मेल्ट करके इस टैंक के अंदर डाल लिया, और ये कौन सी चीज़ है हमारे पास, मेल्टेड जिंक मेटल है। सही, क्या है हमारे पास, मेल्टेड जिंक मेटल। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास मेल्टेड पिघली हुई, मेल्टेड कहते हैं पिघली हुई मेल्टेड जिंक मेटल है। अब आपने करना क्या होता है, बाकी लोहे का एक पीस लें, ये मैंने लोहे का एक रॉड ले लिया। सबसे पहला काम इसको ये होता है कि इसको क्लीन कर लें। सही, सबसे पहला काम क्या होता है, इसको क्लीन करें। क्लीन करने का मकसद क्या होता है कि इसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा, रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह, कोई भी चीज़ ना रहे, इसको बिल्कुल साफ सुथरा करना है। क्लीन करने के बाद आपने एक सोल्यूशन तैयार किया होता है, वो सोल्यूशन होता है जिंक सल्फ, जिंक क्लोराइड का। वो सोल्यूशन आपने तैयार किया होता है किस चीज़ का, जिंक क्लोराइड का। ये मैंने जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार करके यहाँ पर रखा हुआ है, और आपने इस मेटल को इसके अंदर डिप करना है। ये किसका सोल्यूशन है, जिंक क्लोराइड सोल्यूशन। नाम याद रखिएगा, सबसे पहले स्टेप यही होता है कि आपने उसको साफ करके उस मेटल के पीस को जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर डुबो देना है। डुबोने के बाद इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद नेक्स्ट काम जो स्टेप होता है, आपने इसके अंदर डुबो के ये मेटल का सरफेस ये ले ली मैंने लोहा। अब लोहे को आपने नेक्स्ट काम ये होता है कि आप इस लोहे को करें गर्म, हीट करना है। सही, इसको हीट करें ताकि ये बिल्कुल रेडिश कलर में चेंज हो जाए। अब जब आपने इसको हीट कर लेना है, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने इसको हीट कर लेना है, हीट करने के बाद इसी मेटल रॉड को उठाना है, इस टैंक के अंदर डुबो देना है, डिप कर देना है। सही है, इसी मेटल को उठाएं, इस टैंक के अंदर डिप कर दें। अब जैसे ही इस मेटल को इसके अंदर डिप करेंगे, तो जिंक मेटल की बिल्कुल बारीक सी तह, जिंक मेटल की बिल्कुल बारीक सी तह यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ जाएगी। सही, जो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी क्रूजन से, जो क्या कर रही होगी, क्रूजन से प्रोटेक्ट करेगी। अब आपने इसको अंदर डालने के बाद कुछ देर के बाद इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के बाद, निकालने के बाद आप नेक्स्ट काम यह होता है वो कूलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको गर्म किया है, गर्म करने के बाद इसके अंदर डिप किया है, डिप करने के बाद आपने यहाँ पर बाहर निकाल के इसको कूल करें। कूल करने के बाद क्या होगा जी, इस मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक की एक बारीक सी तह चढ़ जाएगी। इस मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक की एक बारीक सी तह चढ़ जाएगी। इस चीज़ को हम कोटिंग का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या है, जिंक कोटिंग। और इस प्रोसीजर को, जो पूरे का पूरा प्रोसीजर किया, इसको गैल्वनाइजिंग का प्रोसेस कह रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसी चीज़ों को ना हमने बारी बारी, पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हम बारी बारी लिख के पूरे का पूरा वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो ये हेडिंग दे लें प्रोसीजर की, प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर की बात करूँ, सबसे पहले क्लीन द पीस ऑफ आयरन। सबसे पहले आप जिस टुकड़े ऊपर गैल्वनाइजिंग करना चाहते हैं उसको साफ कर लें। क्लीन द पीस ऑफ आयरन एंड देन, और इसके बाद क्या करना है, इसी आयरन को साफ करने के बाद जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप कर देना, एंड डिप इनटू द जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में आपने इसको डिप करना है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिप करने के बाद आपने इसको करना है हीट, हीट करने के बाद मेल्टेड जिंक मेटल के अंदर इसको डिप करना है। नाउ हीट द मेटल पीस, मेटल के टुकड़े को आपने हीट करना है, मेटल पीस, एंड देन, और इसके बाद क्या काम करना है, एंड देन डिप। अब आपने इसको डुबो देना है मेल्टेड जिंक के अंदर, डिप इन मेल्टेड जिंक मेटल, जिंक मेटल, मेल्टेड जिंक मेटल के अंदर इसको डिप करना है। इसके बाद आपने निकालना है, कूल करना है, कूल करने के बाद आपने इसको यूज़ करना है, जिस यूज के लिए आपने इस्तेमाल करना होता है आयरन को। अब इसमें एक खासियत होगी
इस आयरन को जंग लगता था लेकिन उस आयरन को जंग नहीं लग सकता। नाउ कूल, अब आपने कूल करा, नाउ कूल द पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ मेटल, अब आपने मेटल के पीस को कूल कर लेना है एंड यूज इट, यूज इट, और इसको इस्तेमाल कर लें जिस मकसद के लिए। अब इसके अंदर क्या खासियत होगी, यूज इट एंड दिस पीस ऑफ मेटल या दिस आयरन, ये जो आयरन लास्ट बन जाएगा इज क्रूयन लेस, यह क्रूयन लेस होगा, इसको क्रूड नहीं हो सकता, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद ना अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं बाकी कोटिंग की नस्बत, इसका एक एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसको कभी जंग नहीं लगता, ये तो है ही है। और हाँ अगर किसी जगह से जिंक, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास जिंक, जिंक की कोटिंग की हुई है इस मेटल के ऊपर, चेक कीजिएगा, ये मेरे पास मेटल है, अब इसके ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग कर दी है, मैं सिर्फ ऊपर वाली सतह के ऊपर रिप्रेजेंट करवाऊँगा इस चीज़ को समझाने के लिए, ये मैंने कोटिंग कर दी है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इसको कहीं से कुछ चोट वगैरह लगे या कहीं से ये ठोकर खाए, तो ये होता है कि इसकी कोटिंग थोड़ी सी जगह से उखड़ जाती है इस तरह, और नीचे से आयरन नज़र आना शुरू हो जाता है। कहते हैं अगर आपको ये वाला काम हो जाए, इसकी कोटिंग ऊपर से उखड़ भी जाए ना, सही है, तो फिर भी इसको जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगी, ये इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर जिंक की कोटिंग उखड़ भी जाती है ऊपर से तो फिर भी आपका जो आयरन का पीस है इसको कभी भी जंग नहीं लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर याद रखनी है। चले एडवांटेज, ये इसका एडवांटेज है, एडवांटेज याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। गैल्वेनाइजिंग क्या है, गैल्वेनाइजिंग में कौन सी मेटल इस्तेमाल की जाती है, गैल्वेनाइजिंग का एडवांटेज क्या है, सही है, इफ द जिंक लेयर, जिंक लेयर इज ब्रोक या ब्रेक द आयरन कैन नॉट बी रस्टेड, कैन नॉट बी रस्टेड, के आयरन को फिर भी जंग नहीं लगेगा, अगर जिंक मेटल ऊपर से उखड़ भी जाती है, टूट भी जाती है, फिर भी आयरन को जंग नहीं लगता, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। ये चाहे हमारे पास गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।